30 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ऑफ 2 प्लस 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2। हमारे पास सिर्फ एक और एक ही रूल है, सिर्फ वी बॉड मास। सबसे पहले देखना है यहाँ पे, क्या यहाँ पे बार है हम लोगों के पास? वेरिकुलम बार है हम लोगों के पास? नहीं है। ब्रैकेट है क्या? हाँ है, ब्रैकेट है हम लोगों के पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, बाकी सभी को एज इट इज रख दो और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, सारे काम छोड़ के ब्रैकेट सॉल्व करो। ऑफ 2 प्लस 3 5 माइनस 12 इंटू, ये ब्रैकेट इसका मतलब इंटू है, ये 6। क्लियर, ब्रैकेट हो गया सॉल्व। फिर क्या सॉल्व करना, क्या हमारे पास ऑफ है? हाँ ऑफ है, ये दिख रहा ना ऑफ, ऑफ को सॉल्व करो। 30 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ऑफ 5 25 माइनस 12 इंटू 6। क्लियर, फिर देखो डिवाइड है क्या? हाँ, तो डिवाइड को सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 25 माइनस 12 इंटू 6। फिर देखो मल्टी क्या आ रहा है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन है क्या? हाँ है, 25 5 से 125 माइनस 72, 28 प्लस 25 53, कितना आ गया आंसर 53। क्लियर है, देखते जाओ सीक्वेंस बनाते जाओ, क्या बार है, क्या ब्रैकेट है, क्या ऑफ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 1 बाय 5 माइनस 3 1 बाय 2 माइनस 5 बाय 6 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 1 बाय 10 माइनस 4 बाय 5। क्लियर, तीन तीन ब्रैकेट है देखो, क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट, ये तीनों ब्रैकेट हो गए हम लोगों के पास। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 1 बाय 5 माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 2 सा 6 प्लस 1 7 बाय 2 माइनस, कर्ली ब्रैकेट क्या है 5 बाय 6 माइनस, एलसीएम 30 कितना आ जाएगा, एलसीएम 30 ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 30 को डिवाइड करो 5 से 6 6 थ्री 18 3 माइनस प्लस 3 माइनस 15 टू सा 4 8 जा। क्लियर, सॉल्व कर लिया, अब क्या करेंगे हम लोग, 5 5 से 25 25 प्लस 1 26 बाय 5, उसके बाद 7 बाय 2 माइनस 5 बाय 6 माइनस, कितना हो जाएगा 18 माइनस 18 कितना होता है 10, 10 प्लस 3 13, 13 बाय 30, ये कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला। ओपन ब्रैकेट तो खत्म कर दिया ना हमने, सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ आ गया, ये भी खत्म होगा, फिर यहाँ आ जाएंगे पूरे ब्रैकेट पे, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, क्या होगा ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अलग से सॉल्व कर लेते हैं इनको, माइनस 13 बाय 30, एलसीएम कितना 30, 5 सर 25, 25 माइनस 13 12 बाय 13 30, 6 टू सा 6 5 सर 2 बाय 5 कितने 2 बाय 5, तो 26 बाय 5 माइनस 7 बाय 2 माइनस 2 बाय 5। ठीक है, अब देखो ये कर्ली ब्रेक, पहले ओपन ब्रैकेट सॉल्व हुआ, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हुआ, फिर बड़े वाले ब्रैकेट पे आ गए, अभी ब्रैकेट पे चल रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे 26 बाय 5 माइनस, कितना हो जाएगा ये, एलसीएम ले लो 10, 35 माइनस 4। क्लियर, कितना हो जाएगा ये 26 बाय 5 माइनस 31 बाय 10, एलसीएम ले लो कितना आएगा 10, 2 से मल्टीप्लाई 52, 52 माइनस 31 21 बाय 10, कितना आ गया आंसर 21 बाय 10। क्लियर, छोटा ब्रैकेट करेंगे सॉल्व, स्मॉल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर ऑपरेशन देखेंगे। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर आ गई। अब देखो यहाँ पे ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक, अगर हम V को हटा दें V बॉड मास में से, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पहले डिवाइड किया 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 इंटू 3 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये बार है, क्या है, लाइन ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट है। ठीक है, क्या है, वेरिकुलर बार है,
तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, पहले इसे सॉल्व करना है, कायदे से डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास ये जो बार आ गया ना, पहले उसे सॉल्व करेंगे 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1, तो 1 क्या है हमारा आंसर। कायदे से इसे करना चाहिए था, लेकिन बार है तो पहले बार को करेंगे 6, ठीक, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर क्या हम लोगों का 1, क्लियर है बात। तो पहले बार को सॉल्व करो, यहां इसे बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, इसे सॉल्व करो, उसके बाद हम फर्दर ऑपरेशंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 3 1/4 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 1/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ब्रैकेट 2 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6 किसके अंदर है, बार के अंदर, लाइन ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, या फिर विनिगुलम बार बोलते हैं। क्लोज हुआ कौन सा ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लियर, या स्मॉल ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट। फिर कौन सा ब्रैकेट क्लोज हुआ, कर्ली ब्रैकेट जो उससे बड़ा होता है। फिर एंडिंग में क्लोज कौन सा हुआ, सबसे बड़ा ब्रैकेट जो कि है क्लोज ब्रैकेट, कौन सा है, क्लोज्ड ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट 1/2 ऑफ 4 1/3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 39 36 42 48। कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे लगाएंगे वी बॉडमास रूल। सबसे पहले देखो विनिकुलम ब्रैकेट है क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, यहां कितना 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 1/12 हो जाएगी, क्या हो जाएगी वैल्यू 1/12, ठीक है, इसकी वैल्यू लिख दी 1/12। अब क्या करना है, विनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट पे आते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहला सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट करना, ठीक है, स्मॉल या फिर ओपन ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट भी बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसे क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 प्लस 1 13, 13/4 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व नहीं करना है अभी, 4 1 4 4 प्लस 1 5, 5/4 कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, माइनस 1/2, जब हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया तो 2 2 4 4 प्लस 1 5/2 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1/12, क्लियर, क्लोज किया, ये इसके साथ है, क्लोज किया, पहले विनिकुलम ब्रैकेट किया, उसके बाद ओपन ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर उसके पीछे कर्ली ब्रैकेट, फिर ये, फिर डिवाइडेड बाय, ये क्लोज ब्रैकेट है, फिर इसे सॉल्व करना है, पहले क्या सॉल्व करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ब्रैकेट को, ब्रैकेट में है ही क्या, कुछ नहीं है, बस ये चीजें तो हैं, फिर क्या करें, ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्लियर, कितना हो जाएगा ये 1/2 ऑफ 4 3 12 प्लस 1 13, 13/3, क्लियर, कितना हो जाएगा 13/3 हो जाएगा, यहां से बात क्लियर है इतनी, ठीक है, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट का मतलब नहीं है ना कुछ, ब्रैकेट का मतलब कुछ नहीं है, अभी सॉल्व करना है, तो ठीक है ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने ऑफ लगा के। अब क्या करें, अब किसे सॉल्व करें, अब हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाले ब्रैकेट को, पहले हमने वी सॉल्व किया विनिकुलम ब्रैकेट, उससे जो आंसर आया, फिर स्मॉल ब्रैकेट में आ गया, वो एक एक चीजें कम हो जाएंगी, देखो यहां पे जिसे सॉल्व करेंगे विनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व किया तो विनिकुलम ब्रैकेट हट गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग ये सॉल्व करेंगे ओपन ब्रैकेट तो ये भी हट जाएगा, 13/4 डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, एलसीएम लिया 12, 6 5 × 6 30, 29 29/12, क्लियर है बात यहां तक, 12 5 60 माइनस 2 58, 58 डिवाइडेड बाय 24 तो 59/12, कर्ली ब्रैकेट, देखो ये इस ब्रैकेट को सॉल्व किया ओपन ब्रैकेट को या स्मॉल ब्रैकेट को तो ये खत्म हो गया, फिर कर्ली ब्रैकेट पे आ गए हम लोग, इसे क्या लिख देंगे हम लोग 13/6, क्या लिख देंगे 13/6, इसे एंडिंग में सॉल्व करना है। फिर अब क्या करें, अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले हमने विनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व किया उसकी वैल्यू आई 1/12, उसको रखा, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया और यहां भी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, क्लियर, फिर हमने ऑफ भी सॉल्व कर दिया इस केस में, तो इस केस में ऑफ भी सॉल्व कर दिया क्योंकि ये अलग चीज है ना, ये क्या है अलग चीज है, ऑफ को सॉल्व कर लिया हमने यहां से, क्लियर, तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था कर लिया, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते जा रहे हैं, यहां भी ब्रैकेट को सॉल्व करना था हमने कर लिया यहां पे, क्लियर है बात।
अब क्या होगा हम लोगों के पास, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 13/4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये एलसीएम लेंगे हम लोग कितना 24, 6 5 30, 30 - 29 तो कितना हो जाएगा 1/24। अब देखो ये वाला ब्रैकेट भी हट गया ना, कर्ली ब्रैकेट, बचा कितना 13/6। अब क्या करें, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या होगा 13/4 है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, तो जो डिवाइड में है इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइडेड बाय 13/6, क्या होगा यहां से 4 6, क्लियर, तो यहां से कितना हो जाएगा 13 × 6, 13 6 78, 78 डिवाइडेड बाय 13/6, तो मल्टीप्लाई बाय 6/13, मल्टीप्लाई बाय 6/13, क्लियर है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6/13, इन अगर डिवाइड में हो रहा है, देखो डिवाइड 13/6 तो मल्टीप्लाई 6/13 हो जाएगा, क्लियर। अब यहां से कैंसिल कर दो 6 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इज 36 क्या हम लोगों का आंसर, क्लियर है बात। तो यहां पे हमें सबसे पहले सॉल्व क्या करना है, देखो कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो सबसे पहले देखो कि क्या विनिकुलम ब्रैकेट है क्या वहां पे, हाँ है, सबसे पहले हमने इसे सॉल्व किया 1/12 आंसर आया, चाहे उसके साथ सॉल्व कर लो या बाद में सॉल्व कर लो, पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज रखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं विनिकुलम ब्रैकेट की, कि जितने भी हमारे नंबर से या जितने भी एक एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेशन से सभी में जहां जहां भी हम लोगों के पास विनिकुलम ब्रैकेट या फिर लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट आ रहा है वहां पे क्या करो उसे सॉल्व कर लो, सिर्फ एक जगह था सॉल्व कर लिया 1/12। अब देखो ये क्या होगा 4 3 12 + 1 13/4 हो गया, डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 5/4 हो गया, -1/2 स्मॉल ब्रैकेट 5/2 माइनस जो हमने विनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व किया ना उसकी वैल्यू -1/12 है, -1/12 हो गई, क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करें, अब हम लोग यहां पे ब्रैकेट देखते हैं, देखो हमने क्या यहां पे क्या सॉल्व किया, विनिकुलम ब्रैकेट, फिर उसके बाद बारी किसकी आती है, ब्रैकेट की, उसके बाद ब्रैकेट की, फिर देखो देखो ये क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट की बारी आ गई ना, यहां पे ब्रैकेट की बारी आ गई। अब इतना बड़ा सा ब्रैकेट है, सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है वो सॉल्व होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट जो कि सबसे बड़ा ब्रैकेट है, सॉल्व करते गए, ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, उसके बाद क्या आता है ऑफ, ऑफ को सॉल्व कर लिया हमने, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4 3 12 + 1 13/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना होगा 13/6। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते गए रिड्यूस होता गया फॉर्म, रिड्यूस होता गया, उसके बाद हमने क्या किया एंडिंग में ये डिवीजन को क्या कर लिया, यूज कर लिया, क्या किया यूज कर लिया यहां पे, तो इतनी बात क्लियर हो गई क्या यहां से, क्लियर है बात, ठीक है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास, कर्ली ब्रैकेट 1 + 6 किसके अंडर में, ये हम लोगों का है विनिकुलम ब्रैकेट प्लस स्मॉल ब्रैकेट 14/7/2 प्लस 5 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 / √16, ठीक। सबसे पहले विनिकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, किसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 + 1 = 7 प्लस, इसे सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद क्या आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले ये आता है, तो क्या करेंगे 14 को पहले डिवाइड करेंगे 7 से, 14 को डिवाइड किया 7 से, उसके बाद जो नंबर आएगा उसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 5 = 20, 22, क्लियर, ब्रैकेट को सॉल्व किया 2 √16 मतलब 4, क्लियर है, क्लियर है बात। अब हम लोग सॉल्व क्या करेंगे इस चीज को, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना स्मॉल ब्रैकेट को, 7 + 7 = 1 हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो जाएगा 11। अब क्या बचा, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट जो बचा है उसे ऐड कर दो, 8 + 11 = 19,
तो 19 के आगे हम लोगों का आंसर, ठीक, दिखने में कितना बड़ा लग रहा था लेकिन हमने कितना शॉर्ट में उसे कंप्लीट कर लिया, कितना शॉर्ट में कर लिया, देखो पहले विनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, इतना सॉल्व होने के बाद आया 7, उसके बाद क्या करते हैं ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, उससे सॉल्व कर लिया हमने, बड़ा ऐसे ही रहने दिया, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया 22 मल्टीप्लाई बाय, इसे सॉल्व कर लिया ना, फिर मल्टीप्लाई कर दो 2/4 को, फिर क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, कर्ली ब्रैकेट में 1 आया, यहां पे बड़ा ब्रैकेट नहीं था, क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही ब्रैकेट की, दो ही टाइप के ब्रैकेट की यूज आई यहां पे, क्लियर, उससे बड़ा कोई ब्रैकेट नहीं था तो हम यूज क्यों करें, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहां से 19, क्लियर है बात, क्वेश्चंस तो दिखते लेंदी हैं लेकिन होते बहुत इजी हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों के पास, 17/13 मल्टीप्लाई बाय 2/5 माइनस 5/11 डिवाइडेड बाय 7/1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/1/2, ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीजें, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी जस्ट पहले और बाद में एडिशन है, ठीक, लेकिन यहाँ पे विनिकुलम बार है, क्लियर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो हमें पहले ध्यान का देना है कि पहले हमें विनिकुलम बार को सॉल्व करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, देखने को ये आता है कि मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन एडिशन से ऊपर है, मतलब पहले कौन सा होगा, पहले कौन सा होगा, पहले हम लोगों के पास मल्टीप्लीकेशन होगा, लेकिन यहां विनिकुलम बार ने सब गड़बड़ कर दी, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें इसे सॉल्व करेंगे, कितना 4 × 4 प्लस 1 5/4 प्लस 2 + 1, ठीक है, 2 × 1 = 2 प्लस 1 3 × 2, एलसीएम कितना ले लें 4, कितना हो जाएगा ये 5 + 6 = 11/4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11/4, अब देखते हैं शुरू से, देखो 13 + 1 = 20/13 13 × 1 = 13 प्लस 7 = 20/13 मल्टीप्लाई बाय कर्ली ब्रैकेट 5 + 2 = 7 7/5 माइनस 11 + 1 = 16/11 डिवाइडेड बाय 7 × 14 प्लस 1 7 × 14 प्लस 1 15/2 मल्टीप्लाई बाय 11/4 क्लियर मल्टीप्लाई बाय 11/4 अब यहां पे ब्रैकेट ही ब्रैकेट क्लोज किया ये वाला कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज किया और क्लोज ब्रैकेट भी क्लोज किया क्लियर अब क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो कि क्या है स्मॉल ब्रैकेट है बाकी एज इट इज लिख देते हैं 20/13 मल्टीप्लाई बाय कर्ली ब्रैकेट ऑफ 7/5 माइनस अब क्या होगा पहले इसे तो सॉल्व करना है लेकिन इसके अंदर डिवाइड भी है मल्टीप्लीकेशन भी है पहले क्या सॉल्व करें डिवाइड जब ये डिवाइड है तो 16/11 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2/15 हो जाएगा ना उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और उल्टा कर दो मल्टीप्लाई बाय 11/4 ठीक है ये तो हमने इसे क्या कर लिया सिंप्लीफाई कर लिया अब सॉल्व करते हैं देखो क्या करेंगे 4 × 4 = 16 11 से 11 कैंसिल 8/15 आ जाएगा 8/15 क्या आ जाएगा हम लोगों के पास यहां से 20/3 मल्टीप्लाई बाय कर्ली ब्रैकेट ऑफ 7/5 माइनस कितना आ जाएगा 4 × 8 = 8/15 क्लियर है बात अब क्या करें अब क्या सॉल्व करेंगे हम लोग कर्ली ब्रैकेट बचा है कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले उसके बाद क्लोज ब्रैकेट जो बड़ा वाला है उसे सॉल्व कर लेंगे क्लियर अब क्या करें अब 7/5 माइनस 8/15 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों की इसकी वैल्यू 15 क्या ले लिया एलसीएम 7 × 3 = 21 माइनस कितना हो जाएगा 8 जिसकी वैल्यू होगी 13/15 क्लियर 13/15 हो जाएगी अब यहां पे हम लोगों के पास सिर्फ एक ब्रैकेट बचा है हम लोगों के पास क्लियर क्या बचा है 20/13 अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग
13 बाई 15 लिख सकते हैं, 13 बाई 15 लिख सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट। अब क्या करें, 13 से 13 कैंसिल, 5 3 से 15, 5 4 से 20, आंसर कितना आ गया, 4 बाई 3। आंसर कितना आ गया, 4 बाई 3, आंसर इज 4 बाई 3। क्लियर है बात, क्लियर है? तो हमें क्या करना है, वी बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग चलना है, जो जो दिखता जाए रास्ते में उसे सॉल्व करते जाओ। मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पे क्या है, विनिकुलम बार है, तो उससे आगे कुछ नहीं, सबसे प्रायोरिटी हमारी है, सबसे बेहतर क्या है, विनिकुलम बार है हम लोगों के लिए, जो सबसे पहले हमें यूज में लेना है, फिर देखते हैं उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी ओपन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या देखना है, डिवीजन देखना है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा वी बॉड मास क्लियर होते जाएगा और हम लोग सिंप्लीफिकेशन को इजी बना देंगे। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए दोस्तों करते हैं बॉड मास पे कुछ और क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास, 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस इन ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 11 बाई 30 ऑफ 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है? हमें सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है कि क्या बॉड मास वी बॉड मास रूल फॉलो हो रहा है नहीं, इसके अलावा कुछ ध्यान देना नहीं है। क्लियर? सिर्फ हमें देखना है वी बॉड मास रूल को फॉलो करते हुए सीक्वेंस देखना है सिर्फ। देखो अब सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, क्या यहां पे बार है हम लोगों के पास, विनिकुलम बार है क्या, नहीं है। फिर क्या है, ब्रैकेट है क्या, हाँ बिल्कुल। कौन सा ब्रैकेट है, किससे सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्लोज ब्रैकेट सॉरी ओपन ब्रैकेट को, यहां पे सिर्फ ओपन ब्रैकेट ही है, इन दोनों को सॉल्व कर ले पहले। अब ब्रैकेट में हमारे पास डिवाइड भी है और ऑफ भी है, ऑफ भी है और डिवाइड भी है, तो पहले किसे सॉल्व करेंगे, ऑफ को। क्या हो जाएगा ये, 6 डिवाइडेड बाय ऑफ, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, 36। यहां देखें ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 10 प्लस 11, 11 बाय 3। क्लियर? अब यहां पे ऑफ को सॉल्व करें या डिवाइड को, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। क्लियर? पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ये जो दिख रहा पोर्शन, इसे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 90, 22 डिवाइडेड बाय 90। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सा इतना है कि 6 में 1 बाय 36 का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? डिवाइड हो रहा है 36 बाय 1 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय 36 का। यहां भी क्या करेंगे, 11 बाय 3 को डिवाइड कर रहे 22 बाय 90 से, तो मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज करके और इनवर्स कर दो। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 15। मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 15, इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 1 बाई 6। बात क्लियर? अब देखो, अब लिख लेते हैं फिर से क्वेश्चन को, 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस, ब्रैकेट तो खत्म कर दिया सॉल्व करने के बाद, कितना हो गया ये 1 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है 6 का, माइनस ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 15, ब्रैकेट खत्म किया 15 लिख दिया डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? तो इतनी बड़ी इक्वेशन इतने से एक्सप्रेशन में आ गई हम लोगों की। अब देखो, अब क्या हम लोगों के पास, सबसे पहले क्या बार है, यहां पे विनिकुलम बार है क्या, नहीं है। क्या ब्रैकेट है, नहीं अभी सॉल्व किया। क्या है, ऑफ है क्या, नहीं वो भी सॉल्व कर लिया। फिर डिवाइड है क्या, हाँ बिल्कुल, जहां जहां डिवाइड है उसे डिवाइड कर दो। 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6, पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 6 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर? ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 3। बात क्लियर हो गई? इसे नहीं भी सॉल्व करते तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में सॉल्व कर सकते थे, अभी हम डिवाइड के लिए देख रहे हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो बाद में करें या पहले, मल्टीप्लीकेशन तो होगा ना, एक ही एक्सप्रेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वहां पे हमें जब एम्बिग्यूटी लगती है तब हम बॉड मास रूल देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे प्लस है मल्टीप्लाई माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों ऑपरेशन में मल्टीप्लाई पहले होगा तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसी के साथ में,
ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब क्या हो गया यहां से देखो, अब इतने से एक्सप्रेशन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्या बोर्ड मास रूल? नहीं, शुरू से करते आ रहे हैं हम तो। 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये 6 से 6 कैंसल, माइनस 2। माइनस 2 क्या हम लोगों का आंसर? क्लियर है? सबसे पहले ब्रैकेट, जहां पे हमें दिक्कत आती है ना, समझ नहीं आता है कि भाई पहले करना क्या है, कौन सा ऑपरेशन, तब जाके वी बॉड मास रूल देख लो। लेकिन यहां पे क्या समझ, यहां तो समझ मुश्किल है कि यहां पे समझ में ना आए, लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा तो वी बॉड मास रूल देख लो, उससे सॉल्व कर लो। लेकिन यहां क्या दिक्कत है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 से 6 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया। क्लियर है? तो जरूरी नहीं हर बार बॉड मास रूल देखा जाए। अब यहां पे हमने क्या किया, अभी हम डिवाइड के लिए सॉल्व कर रहे थे, उसी में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दिया, तो करेंगे ही ना, हमें यहां पे कुछ लग ही नहीं रहा। ये तो क्या है, डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा, 1 ही होगा ना, हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, चाहे वी बॉड मास रूल लगाएं या ना लगाएं, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 1 ही आएगी ना। बॉड मास रूल का इससे कुछ लेना देना थोड़ी है क्या? ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ये तो पहले सॉल्व करें या बाद में सॉल्व करें, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा ना यहां से। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, माइनस टू इज द आंसर। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट में देखो क्या ऑपरेटर है हम लोगों के पास, एक ऑफ है एक डिवाइड का है, पहले क्या ऑफ सॉल्व करेंगे, कर लिया 36 कर दिया, फिर डिवाइड सॉल्व कर लो, मतलब कुल मिला के ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ब्रैकेट हटा दो, फिर बार तो था नहीं हमारे पास विनिकुलम बार, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ऑफ भी कर लिया हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व, फिर डिवाइड देखो कौन कौन से डिवाइड में है, फिर मल्टीप्लीकेशन देख लो, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन देख लो। क्लियर? इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को।